State of Haryana, because that's where a big announcement has come in specifically for the young men, and lakhs of them from Haryana joined the Indian Armed Forces. Chief Minister of Haryana, Nayab Saini, has announced a reservation for the Veers in the state. Haryana government has announced that there will be a 10% reservation for Veers who do not go on to continue to be in the Indian Army, for example, that those recruited into the army through the Agnipad scheme will now be able to join in police or mining. Home Guard jobs. Neyap Singh Seni has also said that a five percent reservation for Agnivires would also be given in group C posts as well in the jobs. A three-year age re limit relaxation also will be given for group C and D positions. Now this decision comes when opposition has been demanding the scheme to be rolled back totally. Opposition is alleging that Haryana government's move is timed with the, the state assembly elections, and Congress has meanwhile termed the Agni quota an insult to the Agnivirs. आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये प्रूव कर दिया और बता दिया कि हम सेनाओं को लेकर के उनके सम्मान को लेकर के उनके भविष्य को लेकर के कितने संजीदा हैं हम कितनी गहराई से सोचते हैं कि हमारा जो सैनिक है उसका भविष्य कैसे होना चाहिए चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात रही हो सेनाओं को मजबूत करने की बात हो उनको हथियार देने की बात हो फिर उसके बाद हम अग्निवीर योजना लेकर के आए जिसको कई बार आपने देखा विपक्षी दलों ने लोगों को बरगलाने की कोशिश करी अग्निवीर को लेकर के कि इनके भविष्य का क्या होगा तो पहला कदम जब आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहणी जी ने उठाया उन्होंने दस प्रतिशत आरक्षण और आरक्षण अग्निवीरों का जो है हमारी हरियाणा सरकार के अंदर किया देखो बात यह होती है ना कि जब आदमी गिरती हुई राजनीतिक साख में चुनाव सामने आ जाए तब इस तरीके की स्कीम लाए तो उसका कोई महत्व नहीं बनता नहीं जनता पर असर पड़ता जनता भी समझ जाती है कि आपने केवल ये चुनाव के लिए किया क्योंकि तो अग्निवी स्कीम को आए बहुत दिन हो गए आप राज्य में सरकार में रहे हैं हरियाणा में सात आठ दस साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है अगर आपके मन में ऐसी कोई सोच होती तो इसका उल्लेख बहुत पहले आपने किया होता तो इसको सीधे सीधे हमें केवल राजनीति से जोड़ना चाहिए और ये बीजेपी की तरफ से ये अपेक्षा है कि इससे कुछ थोड़ा बहुत उनको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा और पिछले कई सालों से हरियाणा में बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार थी और अगर उनकी नीयत होती सही मानों में उनकी दिलचस्पी अग्निवीर के प्रति होती हमदर्दी होती सहानुभूति होती तो कब का कर दिया होता अब जब तीन महीना बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव में तो अब इस तरह की घोषणा का कोई अर्थ नहीं है कोई मानी नहीं है